अस्सलाम वालेकुम ताहिर मतीन टीएम टीवी से, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और चाय पीजिए और शेयर कीजिए। आपके साथ अगर चाय ना पीऊं तो मुझे मज़ा ही नहीं आता, कुछ किया ही नहीं। कैसी गुजरी यार? कल तो हम चले गए थे सदर और अपना ये स्टेडियम के पास रोडियाम, भाई बड़ी मुश्किल से घर तक पहुँचे। इस कदर ट्रैफिक जाम था कि क्या बताएं आपको यार। अरे ये शाम और तेरा नाम, तेरा नाम नहीं लूँगा बस तुझको शाम को। एक ज़माने में ईरानी होटल हुआ करता था और हम वहाँ बैठा करते थे, फिर उसके बाद मलवारी होटल आ गया, उसके बाद क्वेटा होटल आ गया और क्वेटा होटल पे आके गानी रुक गई। लेकिन चाय का अपना एक मज़ा, आह क्या बात है। क्या मसरूफियत रही यार? बहुत, हम तो कल परसों कल फंस गया यार पूरी तरह ट्रैफिक में। क्या कर सकते हैं यार, घड़ियाँ इतनी हैं और लोग कम हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं। तो पहुँचा भाई अल्लाह अल्लाह करके। आपकी क्या मसरूफियत रही? हमने तो जौम पे गुजरी सो गुजरी शबे हिजरा, हमारे अश किसी की आकबत सुमार चले। ज़िंदगी रवा दवा है भाई, किसी के पास टाइम ही नहीं है, इतना मसरूफ़ है लोग। लेकिन यार मैं तो एक मैसेज देता हूँ कि यार मिलते जुलते रहिएगा, आँख लड़ी है दिल भी मिल जाएगा। यार ये उधर मत ले जाइएगा, मैं तो मिलने मिलाने की बात करता हूँ। मैसेजेस आ रहे हैं यार सियासत पे क्यों नहीं बोलते, मैंने भाई ये मेरा मौजू नहीं है और इतने सारे लोग बोलने वाले हैं, मैं क्या बोलूँ। हाँ रियली स्पीकिंग, क्या मज़ा आ रहा है आपके साथ चाय पीने में। शाम और चाय, इसकी लज्जत ही कुछ और है। और आप सामने बैठे हैं और आपसे बातें कर रहा हूँ मैं, बात ही कुछ और है। आज तो जी सब बेसबब उदास है, इश्क होता तो कोई बात भी थी। शायरी वारी चल रही है, गाने वाने। आज शाम को बड़ा अच्छा प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। अश्क गिरा एक गज़ल, थोड़ी सी बात, गुड बाय। बस यार चैनल को देखते रहिए, बातें होती रहेंगी, ज़िंदगी के लम्हे गुजरते रहेंगे और चलता रहेगा मामला। कल एक साहब मोटरसाइकिल वाले ने मार दिया उसको, तो उठाने के लिए गए तो वो हमारे पास ही आके स्टैंड पे खड़े हो गए जहाँ गाड़ियाँ मिलती हैं। तो मैंने कहा यार आप तो सेंटर में, आपको मार दिया उसने, साइड पे क्यों नहीं थे आप? कह रहा यार ये कराची है और यहाँ होता रहता है। मैंने कहा अल्लाह माफ़ी दे दे यार, अल्लाह से तौबा करें यार। आदमी एक दफ़ा लग गई, हड्डी टूट गई, 6 महीने के लिए चला गया, काम हो गया उसका। लिहाजा एहतियात करें यार, अगर वो स्पीड में आ रहा है उसको भी मारते मारते टाइम लगता है यार। और मैंने देखा उसके पीछे एक और गाड़ी आ रही थी, वो मोटरसाइकिल वाला तकरीबन उनके ऊपर चढ़ गया था। आपको खुद एहतियात करनी है भाई, खुद एहतियात करनी है, वरना तो ये इतने ट्रैफिक है, इतनी ट्रैफिक है कि बस रोड क्रॉस करना मसला है यार। लेकिन ये कि हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है।
अपना भी ख्याल रखें, और अगर आप बाइक चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं तो कीप द डिस्टेंस, फासला रखें यार, ताकि अल्लाह ना करे आगे कुछ हो जाए तो पीछे आप ब्रेक मार सकें। यहाँ छोटे छोटे लड़कों को मोटरसाइकिल दी हुई हैं यार, तो हैरत होती है कि यार ये माँ बाप क्या करते हैं यार, न लाइसेंस है उनके पास, उनके पैर भी नीचे नहीं जाते और वो मार देते हैं, और वो 8 महीना 6 महीना इंसान बेड पे गुजार देता है। हाँ, तो एहतियात कर लिया करें यार। रिश्तेदारों के घर गए, मिले लोगों से, वेरी गुड, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। गाने की फरमाइशें आ रही हैं यार, ताहिर साहब को गाना ही सुना दो यार। मैं यार क्या सुनाऊँ, हमारी कहाँ आवाज़ आवाज़ है यार, बस वक्त गुजारा करता हूँ मैं, महबूब की गलियों का कोई आशिक बदनाम नहीं। जाने मन जाने मन सुनाऊँगा मैं, बेफिक्र हैं आप, खुशफहमी हो गई है कि मैं गाता अच्छा हूँ। चले, खुशफहमी में आदमी खुश तो रहता है ना कम से कम, ये भी बड़ी बात है। न गिला है दोस्तों का न शिकायत है ज़माना, मेरी शामें गुजर रही हैं आपके साथ, आपकी चाय मेरे सामने है और आप बड़े मज़े से चुस्कियाँ ले रहे हैं। चाह में चाहत ना हो तो बनाने वाले के खलूस में चाहत होनी चाहिए, चाय में तो चाहत होती ही है, लेकिन जो बनाएगा उसकी चाहत का जवाब, चाहे वो थोड़ी हो। प्यार थोड़ा ही सही, प्यार कम ही सही, साथ दे कोई दो कदम ही सही, जिंदगी के अंधेरों में जल जाए जो वो दिया ही बहुत है रोशनी के लिए, एक ज़रा सी रोशनी लेकिन सच्चाई के साथ, खलूस के साथ, थोड़ा प्यार लेकिन भरपूर, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, फिर देखें आपकी ज़िंदगी कितनी ज़बरदस्त गुजरेगी। प्यार कम ना हो, आय प्यार को बढ़ाते रहें यार, ये बढ़ाने वाली चीज़ है, ये रुकने वाली चीज़ नहीं है। ये वो सफ़र नहीं है कि आप ट्रेन में बैठे हैं और कोई मंज़र अच्छा लगे तो आप उसको रोक सकें, नहीं नहीं रोक सकते, उसके रोकने के लिए चेन खींचनी पड़ेगी और उसका जुर्माना ठीक ठाक है। कौन खींचेगा रे, कोई नहीं खींचता और मंज़र गुजर जाते हैं, यही अफरा तफरी लगी रहती है ज़िंदगी में, और चाय पीते रहें, अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छा बोलें तो अच्छा रिजल्ट आएगा। गुस्सा ना करें, एक तो हराम चीज़ है, ऊपर से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, फिर गोलियां, 3-4 हज़ार रुपये की गोलियां, और आपको पता है कि दवाई किस कदर महंगी हो गई है। अपना ख्याल रखें और मेरे साथ चाय पीते रहें। अब शाम को इंशाल्लाह मैं वीडियो कर रहा हूँ, एक गज़ल और कुछ बातें, देखना ना भूलिएगा, हो सकता है लेट नाइट हो आए और हो सकता है कि कल आप देख लें इंशाल्लाह। उस वक्त तक के लिए ताहिर मतीन को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं, जी नहीं चाहता यार आपसे मिल आपको छोड़ के जाने को, लेकिन जाना पड़ता है, इजहार भी मुश्किल है, चुप रह नहीं सकते, मजबूर हैं उफ अल्लाह, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते, हमने तो कह दिया जो कहना था, अब आप कहिएगा यार। मैसेजेस दिया करें ना, मैसेज क्यों नहीं, अब मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा,
उस पे आप दे दिया करें। वैसे तो मैसेजेस आते हैं, तो आप भी दिया करें, कमेंट्स करें, मज़ा आएगा। चाय पे कमेंट्स करें और शाम चाय और तेरा नाम। उस वक्त अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ओके, अल्लाह हाफिज़।